चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उस पार्ट में सो जैसे कि हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है, सॉरी 9th और 10th में, व्हेनेवर द करंट पासेस देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एन ओवरस्टेट एक्सपेरिमेंट। ओवरस्टेट एक्सपेरिमेंट Whenever current flows, this was current carrying conductor. और यहाँ पे एक बोर्ड कार्डबोर्ड लगा दिया जाता है जिसके ऊपर आयरन फाइलिंग होता है और दी आयरन फाइलिंग के अरेंज वेब सर्विस इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि द इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लोस टू द कंडक्टर, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग बन जाता है। ये आपको आप लोगों ने मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड में सीखा, ठीक है। अब आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में उसी इसी इसी चीज़ को अगर हम अलग तरीके से बताएं कि देयर इज अ स्ट्रेट रॉड व्हिच इज कैरिंग द करंट, straight line which is carrying the current in this direction, then there is something called a right hand rule. Hold this rod carrying conductor in your right hand. If the outstretched thumb is giving the direction of the current, then the curled fingers, these are the curled fingers, they give the direction of the magnetic field because of this charge. So this is for the straight conductor. Do you understand that? This is for the straight conductor. Straight conductor carrying current. ये चीज आपको याद रखिए, the straight current carrying conductor. Okay? carrying current. Similarly, कभी अगर वहां पर एक coil है, this is the coil which is carrying the current. Again, I will make use of the right hand rule. लेकिन द रोल ऑफ आउटस्ट्रेच थंब एंड द कर्ल्ड फिंगर्स दैट विल इंटरचेंज। आई रिपीट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जब होता है, स्ट्रेट कंडक्टर व्हेन इट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, अगर वो स्ट्रेट कंडक्टर है तो वहां पे द आउटस्ट्रेच थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल्ड फिंगर्स आर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ बी, सो दिस इज आई एंड दिस इज बी। लेकिन कॉइल के केस में, इफ दिस इज अ कॉइल, तो करंट वाज देयर हियर, लेकिन यहां पर ये दोनों रोल इंटरचेंज करते हैं। नाउ द कर्ल्ड फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द आउटस्ट्रेच्ड थंब व्हिच इज लाइक दिस, इट्स अ वेक्टर व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, सो इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन। अगर वो ऐसा होता है तो उसको ऐसा डिनोट करते हैं। आई रिपीट, सो दिस इज द मैग्नेट्यूड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा वाला वेक्टर होता है, दिस वेक्टर बी बार, बी बार इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, दिस वेक्टर बी बार इज कमिंग आउट हियर इन दिस केस। यही अगर कॉइल कुछ इस प्रकार का होता कि इसमें करंट जो है वो इस प्रकार फ्लो होता, तो अगेन कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, then the outstretched thumb will give us the direction of the magnetic induction. Do you understand this? These are the fingers which are giving the direction of I and outstretched thumb will give us the direction of B. तो ये वाला वेक्टर जो है वो इनवर्ड है, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है by making use of a cross. Okay? This is the direction of B bar. Did you understand this? So this is for the coil. Hello? Can you all hear me please? Hello. समझ में आया सबको? इज दिस ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर हमने 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट जो है उसको यहाँ पर हमने ब्रशअप किया है कि भाई राइट हैंड रूल जो है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे अप्लाई करना है और कॉइल कैरिंग करंट में कैसे अप्लाई करना है, विच इज गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। ओके, सो इन बोथ द केसेस आई विल मेक यूज ऑफ द राइट हैंड रूल। स्ट्रेट कंडक्टर में ये है I और ये है B, whereas coil में ये है I और ये है B. Is this okay? Okay? Now I'll go for the next part.
नेक्स्ट पार्ट, एक डायग्राम यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा जो टेक्स्ट बुक में दिया है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर। नाउ सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हियर इज शोन बाय द लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, अ वेक्टर व्हिच गिव्स अस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज है क्यू, चार्ज इज क्यू एंड दिस चार्ज इज रनिंग विद सर्टन वेलोसिटी। दिस चार्ज इज रनिंग विद सर्टन वेलोसिटी, ऐसे जा रहा है, सो दैट इट इज, सो दिस इज रनिंग विद सर्टन वेलोसिटी, ये बात। ओके, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस वी बार के साथ कुछ एंगल बना रहा है, कितना एंगल है, थीटा इज द एंगल है, थीटा इज द एंगल है। अब इस वजह से व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज दौड़ता है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दौड़ता है, रन करता है, चार्ज स्टार्ट्स रनिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ करंट। दैट मीन्स दिस, वी कैन से दैट दिस इज अ कंडक्टिंग वायर एंड दिस वायर इज कैरिंग सम करंट। सो ये एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर चार्ज दौड़ रहा है, द चार्ज क्यू इज रनिंग विद वेलोसिटी वी, वी से। सो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय एफ बार इज इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार। रिमेंबर क्यू वी बार क्रॉस बी बार, दिस इज वन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देयर आर टू वेक्टर्स, वी बार इज अ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एंड बी बार इज अनदर वेक्टर। अब मैं आपको याद दिला दूं, 11th स्टैंडर्ड में जो आप लोगों ने स्केलर्स वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है, उसके अंदर अगर ये एक प्लेन है जिसमें ये है वेक्टर ए बार, ये है वेक्टर बी बार, दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, देन द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार इज गिवन लाइक दिस, दिस ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स। इन द सेम वे क्यू वी बार का जो वेक्टर, मतलब वी बार एंड बी बार को परपेंडिकुलर रहेगा ये एफ बार, और इसका डायरेक्शन दिया जाएगा कुछ इस प्रकार, सो दिस एफ बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार, जस्ट लाइक दिस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यू, प्लीज चेक दिस वेदर दिस इज क्लियर टू यू, या। सो ये है पहला फॉर्मूला, इसे अगर मुझे मैग्नीट्यूड वाइज लिखना होगा, डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस डायरेक्शन, और क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसे ही होता है, कर्ल द फिंगर, राइट हैंड रूल से ही आपको उसका डायरेक्शन मिलता है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, ए बार टू बी बार, सो दैट विल गिव यू द क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार। इसी तरह से यहाँ भी कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द वेक्टर बी बार टू बी बार, सो दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ एफ बार। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, प्लीज चेक। सो इसी तरह से नाउ दिस फोर्स इज ऑफन कॉल्ड एज, ऑफन दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स, एफ मैग्नेटिक, ऐसा भी कई बार इसे कहा जाता है। एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू, नाउ ये वेक्टर प्रोडक्ट को मैं कई बार ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्यू टाइम्स वी बार क्रॉस बी बार, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर टू राइट क्यू विथ वी, क्यू विथ वी। एनीवेज, नाउ दिस इज द फॉर्मूला नंबर 10.2, आपके बुक में दिया है फॉर्मूला नंबर 10.2। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वहां पर कोई डायग्राम नहीं दिया है, बट दिस डायग्राम आई हैव गिवन फॉर द सेम, आई हैव गिवन दिस डायग्राम हियर फॉर द सेम। इज दिस ओके? इज दिस क्लियर? नाउ आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड मैं इसका लिख सकता हूँ एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड। Any doubts about this? Please check whether this is clear. Please check whether this is clear. Hello. अब इसी फॉर्मूले का ये रेडीमेड फॉर्मूला है, हम उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। इसी फॉर्मूले का और एक फॉर्मेट, द सेम फॉर्मूला इन द डिफरेंट फॉर्म, वी विल सी हियर। व्हाट इज दिस एफ बार इज इक्वल टू, भाई मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी क्या होता है? Velocity is nothing but some displacement upon time.
सम डिस्प्लेसमेंट एल अपॉन टाइम क्रॉस वी बार. कैन आई से सो? नाउ व्हाट इज चार्ज पर यूनिट टाइम? चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? आई इज इक्वल क्यू इज इक्वल क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू आई होता है ना, और क्यू इज इक्वल टू आई टी. यस और नो? आई इज द करंट. सो आई विल से हियर एफ बार इज इक्वल टू आई एल बार क्रॉस बी बार. सो दिस इज वन मोर फॉर्मेट ऑफ दिस फॉर्मूला. इसी फॉर्मूले का और एक फॉर्मेट है आई एल बार क्रॉस बी बार. आई एल बार क्रॉस बी बार. प्लीज चेक कर दिस इज क्लियर टू यूर. चलो चलो और एक बार चेक कीजिएगा. आई एल बार क्रॉस बी बार. ओके. या फिर अगर उसका मैग्नीट्यूड मुझे लिखना होगा तो ऐसे एफ इज इक्वल टू बी आई एल. आई एल इंटू बी मैं इसको बी आई एल लिखूंगा साइन थीटा. और आई कॉल इट एज बिल साइन थीटा. एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. ओके. एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा. अगर आप लोग पेज नंबर 235 पर जाते हैं तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 10.14. इक्वेशन 10.14 ऑन पेज नंबर 235. प्लीज चेक इट एंड मार्क इट, पुट इट इन द बॉक्स. हेलो 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 हेलो. पेज नंबर 235 इक्वेशन नंबर 10.14 यही इक्वेशन दिया है यहाँ पर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. हेलो. जैसे कि मैंने आपको बताया कि द चार्ज इज रनिंग और मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन कई बार वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. ओके. कई बार वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. सो जो भी फोर्स एक्ट करेगा उसके ऊपर, क्योंकि देयर विल बी द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. देयर विल बी द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस देयर विल बी द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. चार्ज कितना है? Q. तो Q चार्ज है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E बार. तो उसके ऊपर फोर्स होगा Q इंटू E. Q इंटू E या Q इंटू E बार. दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड? इट इज गिवन बाय Q V बार क्रॉस B बार. और दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. और ये जो टोटल फोर्स होता है, दिस टोटल फोर्स इट्स कॉल्ड एज लॉरेंट्ज़ फोर्स. हम इसको कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स. और इसका एक लॉ भी हम देखने वाले हैं. दिस इज द टोटल फोर्स. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 10.4. प्लीज पुट इट इन द बॉक्स. इक्वेशन 10.4. जो भी इक्वेशंस मैं आपको बता रहा हूँ उसको मार्क कर लीजिएगा. प्लीज पुट इट इन द बॉक्स. इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज चेक. हेलो. Any doubts about this? Yeah. Is that okay? Lorentz force के हम कुछ special cases consider करेंगे. We'll be considering some special cases about this Lorentz force. Check. क्या special cases हैं? देखते हैं. इसके स्पेशल केसेस मुझे बताइए कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया एफ मैग्नेटिक फोर्सेस क्यू वी बी साइन थीटा. अगर ये एंगल थीटा केस वन, अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो साइन थीटा भी जीरो आएगा. दैट मीन्स दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो. समझ में आ गया? केस टू कि ये चार्ज जो है वो स्टेशनरी है, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. अगर वेलोसिटी जीरो आएगा then in that case also this magnetic force is equal to zero. समझे क्या? Case three, third case, कि भाई ये जो एंगल थीटा है वो थीटा इज इक्वल टू 90 degree. तो 90 degree होगा तो साइन थीटा कितना होगा जी बताइए. ये आंसर करो यार, पिक्चर मत देखो. प्लीज आंसर. साइन थीटा, साइन 90 इज 1. सो इन दैट केस ये जो साइन 90 अगर 1 हो जाएगा तो वॉट इज एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू? एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QVB. इसको आप QVB बोलिए. अगर यहाँ पर साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो उसी को मैं F मैग्नेटिक को क्या बोलूंगा? BIL. B. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर केसेस हमने डिस्कस किए हैं कि भाई अगर ये जो थीटा है जीरो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स दिस चार्ज इज मूविंग अलॉन्ग द
बी बार। थीटा जीरो होने का मतलब है वी बार इज पैरेलल टू बी बार, ये उसका मतलब है। वी बार द चार्ज इज रनिंग अलोंग द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दैट केस देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्सेस, मतलब ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज भी उसी डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो यहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। अगर वेलोसिटी जीरो होगा, वेलोसिटी द चार्ज इज स्टेशनरी, देन वेलोसिटी जीरो एंड द थर्ड केस इज थीटा इज 90 डिग्री, तो दिस इज द आंसर। अब यहां पर अगर ये 90 डिग्री पर होते हैं, इसके लिए मुझे एक सेपरेटली डायग्राम ड्रॉ करना है, आई हैव टू ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम ओवर हियर। तो ये डायग्राम कैसे होगा बताइए, दिस इज बी बार, दिस इज बी बार एंड दिस इज द डायरेक्शन वी बार, ओके, एंड दिस इज दैट 90 डिग्री, आई होप दिस इज क्लियर, 90 डिग्री। तो अब ये जो है वी बार क्रॉस बी बार, ये फोर्स कहां पर एक्ट करेगा, दिस फोर्स इज लाइक दिस, दिस फोर्स इज लाइक दिस एफ बार। एनी डाउट्स अबाउट दिस, वी बार क्रॉस बी बार इज एफ बार, एफ बार दैट इज एफ मैग्नेटिक, समझ में आ गई बात, हेलो हेलो, इज दिस क्लियर टू ऑल, इज दिस ओके, अच्छा ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम गौर से देखते हैं तो क्यू वी बार का रोल भी यहां पर आई एल प्ले कर रहा है, बिकॉज क्यू वी बार जो है क्यू इंटू वी बार, क्यू इज वी बार इज एल बार अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट चार्ज अपॉन टाइम इज आई, सो क्यू वी बार को रिप्लेस कर रहा है आई एल बार, इजंट इट, क्यू वी बार क्यू इंटू वी, इसके जगह पर आई इंटू एल आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर चार्ज फ्लो होना, चार्ज रन कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लो होने को इसी को मैं करंट भी कह सकता हूं, व्हेन द चार्ज स्टार्ट्स रनिंग विद सर्टेन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एज अ करंट। सो यही डायग्राम हम वेलोसिटी के जगह पर, चार्ज अगर मूव होगा तो विद वेलोसिटी भी, तो उसको हम करंट भी कह सकते हैं। सो दिस इज द डायग्राम फॉर एफ बी आई, एफ बी आई, दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द डायग्राम, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, आप उसको ऐसे याद रखिए, FBI, ये शब्द तो आपने सुने होंगे, FBI शब्द सुने हैं आपने, हेलो FBI सुना है आपने कभी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है FBI का मतलब होता है F फॉर द फोर्स, नाउ दिस इज फॉर द लेफ्ट हैंड, देखिए इफ आई प्लेस, दिस इज द फोर्स acting on the conductor, this is the magnetic field and this is the current, FBI, समझ में आ गया, Fleming's left hand rule, so if this is the direction of the magnetic field and this is the direction of the current or the velocity of the charge, then the outstretched thumb is of the left hand, this thumb will give us the direction of the force acting on the charge, is this okay, please check whether this is clear. Now the same diagram is shown there on page number 231. ऐसा ही डायग्राम दिया गया है वहां पर, उन्होंने इसको थोड़ा घुमा के दिया है डायग्राम, but this is what it is. This is okay. Please check whether this is clear to you. This magnetic force will always be perpendicular to V bar and B bar. जिस प्लेन में ये V bar और B bar होंगे उस प्लेन को ये हमेशा perpendicular होगा. That means this angle is always 90 degrees. So we can say F bar is always perpendicular to V bar. अगर ये perpendicular है, तो what is F bar dot V bar? Zero. अगर ये दोनों vectors perpendicular हैं, तो इनका dot product zero है. Now V is the velocity. V is the velocity. तो मैं बोलूँगा F bar dot velocity is equal to displacement upon time is equal to zero. But F bar dot S bar is equal to, this can be the power or this can be the work done upon time is equal to zero, or this is the work done. So the work done by the magnetic force is always zero. Why? Because magnetic force is always acting perpendicular to the velocity. So magnetic force does not do any work. Wo kuch kaam nahi karta hai, isn't it? So it will only change the magnetic force jo hai. The magnetic force will never do any work. तो उसका काम क्या है फिर? It doesn't do any work. The work done by the magnetic force is always zero. So it is only responsible for changing the direction. Change the direction of current बोलो या charge बोलो. Direction of the charge which is moving. Isn't it? Charge का
डायरेक्शन चेंज करने का काम वो करेगा. द वर्क डन बाय द सो दिस मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज. इट विल नेवर डू एनी वर्क हियर. प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग. दिस इज मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 231. प्लीज चेक दैट. चेक करिएगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. What I want to tell you is, it will be responsible for changing this direction. It will change in direction of the charge. It will never change the speed of the charge. Change in speed is not obtained by this. Charge ka speed ye kabhi change nahi karega. Kyun? Kyunki it is not doing any work. It will only be responsible for changing the direction of the velocity. Velocity of the charge. लेकिन इट विल नेवर चेंज. इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड का भी इसकी वजह से चेंज नहीं होगा. प्लीज नोट दिस. ओके, इसके असाइनमेंट की बात होगी. लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो आई से एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी बी. एफ मैग्नेटिक इज क्यू वी बी. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज द असाइनमेंट ऑफ बी. तो बी इज इक्वल टू F अपॉन Q into V. चलिए इसका हम असाइनमेंट लिखते हैं. दिस इज द फोर्स विच इज मेजर्ड इन न्यूटन. चार्ज कूलम. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. ये पर सेकंड ऊपर चला जाएगा. सो व्हाट इज द असाइनमेंट ऑफ दिस. न्यूटन सेकंड कूलम मीटर. न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, जिसे हम असाइनमेंट टेस्ला भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो टेस्ला. सो दिस इज गिवन इन द बॉटम पोर्शन ऑफ इट. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. डायमेंशनल एनालिसिस. इसके डायमेंशन क्या होंगे. दिस इज फोर्स. एफ इज इक्वल टू एम ए. एम ए मतलब के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज फॉर न्यूटन. दिस इज सेकेंड एंड दिस इज कूलम मीटर. इसमें से मीटर चला जाएगा, एक सेकेंड चला जाएगा. सो वॉट रिमेन्स इज के जी पर कूलम सेकेंड. कूलम इज फॉर चार्ज. क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है. तो दैट इज इक्वल टू एम्पियर एंड दिस इज सेकेंड. कूलम की जगह पर मैं एम्पियर सेकेंड लिख सकता हूँ. सो दिस इज इक्वल टू के जी एम्पियर सेकेंड एंड ये सेकेंड सेकेंड स्क्वेयर. तो व्हाट इज द व्हाट आर द डायमेंशंस. एम एल टी मास. वन इन मास देयर इज नो एल. टी इज माइनस टू and this is A is minus 1. So these are the dimensions of the magnetic field. Next page पर इसके dimensions ये होंगे. नहीं दिए. ओके, आप लोग इसके dimensions लिख सकते हो. These are the dimensions. Is this okay? M1, L0, T minus 2, A minus 1. Check if it is clear to you all. अब यहाँ पर और भी दो dimensions दिए हैं. Go to page, next page 232. SI unit is called as Tesla. One Tesla is 1 Newton second per coulomb meter. One Tesla is one, ठीक है. लेकिन उसके कुछ छोटे यूनिट्स भी होते हैं. Also one Tesla is 10^4 Gauss. Gauss, okay? 10^4 Gauss. Gauss actually हमको कैपिटल G लिखना चाहिए, क्योंकि it is named, it is given in after the name of the scientist. Okay? तो उन्होंने Gauss small ऐसा भी लिख सकते हैं Gauss, या तो फिर कैपिटल जी लिखना. सो वन टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 Gauss, ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन मोर कन्वीनियंट यूनिट. ऑलराइट, ठीक है. एनी डाउट्स अबाउट दिस सो फार. हेलो, यहाँ पर नेक्स्ट जो ग्रीन वाला एक ब्लॉक दिया है, वहां पर एमआरआई हम कई बार सुनते हैं. एमआरआई, व्हाट इज एमआरआई. किसी का एक्सीडेंट होता है या कि मैं कई बार हॉस्पिटल में एमआरआई स्कैन करने के लिए जरूरत पड़ती है. तो व्हाट इज एमआरआई. एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग लिखा है वहां पर, ठीक है. दिस इज द टेक्निक यूज्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग एंड रिक्वायर्स द मैग्नेटिक फील्ड. कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, देखिए वहां पर दिया है 1.5 टेस्ला टू 7 टेस्ला. वेयर एज न्यूक्लियर रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है वो उसके डबल चाहिए होता है, ऑलमोस्ट 14 टेस्ला. सच हाई मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग सुपर कंडक्टिंग कॉयल मैग्नेट. ऑन द अदर हैंड, अर्थ इज इटसेल्फ अ वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल मैग्नेट. वी नो दैट अर्थ हैज अ नॉर्थ पोल साउथ पोल. सो अर्थ का भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है.
एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज अराउंड 3.6 इंटू 10^-5 टेस्ला, 10^-5. सो उसको अगर गॉस में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 0.36 गॉस. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर टू ऑल? हेलो, एनी डाउट्स अबाउट दिस सो फार? हेलो, इज दैट ओके? I repeat, here this is x axis, y axis and z axis. ऐसा है, ठीक है? अगर चाहिए तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, इस डायग्राम को मैं ऐसा कह सकता हूँ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. ओके, इन दिस केस वेलोसिटी इज अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस एंड b बार इज एन अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, दिस इज b बार. सो दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ f बार हियर. इसका f बार का डायरेक्शन पूछा गया है यहाँ पे और मैग्नीट्यूड क्या होगा. नाउ आई नो दैट दिस थीटा एज आई टोल्ड यू इज 90 डिग्री एंड देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1. सो f बार इज इक्वल टू क्यू और f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1. सो f इज इक्वल टू क्यू वी बी. दिस इज अबाउट द मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन उसका हम कैसे करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन दिस केस वी बार क्रॉस बी बार कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड रूल से कर सकते हैं. कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर वी बार टू बी बार. तो यहाँ पर हम वी बार टू बी बार कर्ल करेंगे ऐसे. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द थंब? प्लीज आंसर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द थंब? थंब विल गिव मी दिस डायरेक्शन. सो इट इज दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ बार. सो एफ बार इज अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, अलोंग माइनस वाई डायरेक्शन. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? हेलो, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? हेलो, इज दिस ओके? वी बार और बी बार विल बी अलोंग. अब बुक में जो सॉल्यूशन दिया है सॉल्यूशन उसमें उन्होंने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन दिया है. इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. उस पॉजिटिव को आप करेक्ट कर लीजिएगा. उन्होंने जो पॉजिटिव दिया है पॉजिटिव इट्स अ रॉन्ग थिंग. वहां पर नेगेटिव वाई डायरेक्शन होना चाहिए. प्लीज मेक दिस करेक्शन. तो वहां पर थर्ड और फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड लाइन में जो पॉजिटिव दिया है सो नेगेटिव चेंज करके उनको कन्वे कर दीजिएगा. प्लीज चेक. या इन दिस सेकेंड डायग्राम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वी बार इज अलोंग वाई एक्स डायरेक्शन एंड वी बार इज अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन. तो वंस अगेन इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. बोथ वी बार एंड बी बार दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. थीटा इज 90 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर फोर्स जो होगा वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा इज 1. लेकिन इसका डायरेक्शन कहां पर होगा? राइट हैंड रूल कर्व द फिंगर्स फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर वी बार टू द सेकंड वेक्टर बी बार. सो दिस एफ बार विल बी गिवन बाय द आउटस्ट्रेच्ड कर्व. सो व्हाट इज द आउटस्ट्रेच थंब का डायरेक्शन आप देख के बता सकते हो. प्लीज डोंट कीप नोट, प्लीज पिक आउट क्या आएगा ये. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ बार. सो इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इज दिस क्लियर टू यू? हेलो. और उन्होंने वही दिया है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दिया है वहां पे. ओके, चेक दैट प्लीज. तीसरा डायग्राम अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं. थर्ड डायग्राम. तो थर्ड डायग्राम वंस अगेन दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. नो, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. अब इसमें वी बार is along negative x axis. Negative x axis. This is v bar. And v bar is along positive x axis. Yeah. This is v bar. So they are anti-parallel to each other. What is the angle between v bar and v bar? Check here please. Can you see the diagram? Hello? Yahan par the angle between v bar and v bar. Theta is equal to 180 degree. Sin theta is equal to 0 and therefore the force, magnetic force in this case is QVB sin theta. Sin theta itself is 0, so this force here is 0. There is no force in this case. Is this okay?
So the force, magnetic force in this third case is equal to zero.